दोस्तों आज की वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है अगर आप लोग भी एनीडेस्क का इस्तेमाल कर रहे हैं। जब भी आप एनीडेस्क को इस्तेमाल कर रहे हैं उसको ओपन कर रहे हैं तो यहाँ पे लिखा आ रहा है कनेक्टिंग टू द एनीडेस्क नेटवर्क या डिसकनेक्ट कुछ भी ऐसा नोटिफिकेशन शो हो रहा है। तो आज की इस वीडियो में आपको हम बताएंगे कम्प्लीट जानकारी कि कैसे आप इसको सही कर पाएंगे और कैसे आप एनीडेस्क को फिर से इस्तेमाल कर पाएंगे। अगर आप जानना चाहते हैं तो इस पूरी वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखते रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना अंकित और आप देख रहे हैं टेक्निकल सर्च इंजन। तो फिर चलिए सीखते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैंने जो प्रॉब्लम आ रही थी उसको सही कर लिया। जल्दी मैं आपको एनीडेस्क दिखा देता हूं। अब जो आप देख पा रहे हैं कि इसमें जो कनेक्टिंग टू द इंटरनेट की प्रॉब्लम थी वो हट चुकी है। अब मैंने कैसे सही करा अब मैं आपको बताता हूँ पूरा स्टेप बाय स्टेप। ध्यान दीजिए, सबसे पहले आप कोई भी विंडो इस्तेमाल कर रहे हो, एक्सपी कर रहे हो, विंडो 7, 8, 9, 10 या 11 कोई भी कर रहे हो, सबसे पहले दिस पीसी या माय कंप्यूटर पे आपको राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज को चेक करना है। आपको ये देखना है कि आपकी जो विंडो है वो आपके कंप्यूटर में कौन से बिट की इंस्टॉल है। तो आप देख पाएंगे लिखा हुआ है सिस्टम टाइप 64 बिट, ये ध्यान रखिएगा। सेकेंड आपको करना क्या है, आपको यहाँ पे आपके स्टार्ट मेनू में क्लिक करके आपको सेटिंग्स में आना होता है। सेटिंग्स में आने के बाद आपको जो लिखा हुआ है ऐप अनइंस्टॉल पे क्लिक करिएगा और यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको आना है इस वाले ऑप्शन पर, ठीक है ना, फर्स्ट वाले। ठीक है, अब यहाँ दोस्तों जितने भी आपके कंप्यूटर में ऐप इंस्टॉल हैं, ठीक है, सभी विंडो में आपको अलग अलग ऑप्शन देखने को मिलेंगे। ये विंडो 10 है, ठीक है, तो यहाँ पे आप सर्च कीजिएगा एनीडेस्क नहीं दिखाई दे रहा है कि आपको, देख सकते हैं नहीं दिखाई दे रहा है। तो बताना चाहूँ कुछ नई विंडो होती है उसमें बाय डिफॉल्ट ये सेटअप से ही चलता है, लेकिन जो पुरानी विंडो होती है उसमें क्या होता है ये इंस्टॉल होकर यहाँ पे दिखाई देता है आपको, यहाँ पर बस ऐप इंस्टॉल करते हैं कंप्यूटर। ठीक है, जैसे एक्सपी है 7 है उनमें आपको यहाँ दिखाई देगा। अगर आप एक्सपी या 7 विंडो का इस्तेमाल कर रहे हैं और आपको यहाँ पे एनीडेस्क का कोई भी ऐप दिखाई दे रहा है तो पहले उसको आपको अनइंस्टॉल करना है, और अगर विंडो 10 या 11 इस्तेमाल कर रहे हैं तो कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। सेकेंड प्रोसेस आपको एक चीज़ चेक करना होगी, आपका जो डिस पीसी है उस पर क्लिक कीजिएगा माई कंप्यूटर में, विंडो 10 है विंडो 11 में डिस पीसी के नाम से ऑप्शन आता है और विंडो एक्सपी 7 में माई कंप्यूटर के नाम से ऑप्शन आता है, ठीक है, तो आपको दोनों का एक ही मतलब है डिस पीसी और माई कंप्यूटर। ठीक है, आपको उस पर क्लिक करके यहाँ आपको सी ड्राइव में आना होता है, ठीक है ना, ये क्लिक कीजिएगा तो यहाँ आपको आना होगा प्रोग्राम फाइल 86 में। ठीक है, अब बताना चाहूँगा, देखिए अगर आपके कंप्यूटर में विंडो 7 है या एक्सपी है तो यहाँ आपको एनीडेस्क के नाम से एक फोल्डर देखने को मिलेगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कोई भी फोल्डर नहीं है, ये विंडो 10 और विंडो 11 में आपको नहीं देखने को मिलता है, ठीक है, विंडो एक्सपी 7 में आपको देखने को मिलेगा। अगर यहाँ आपको कोई भी एनीडेस्क के नाम से फोल्डर देखने को मिल रहा है तो सिंपल आपको उसको डिलीट कर देना, पूरी तरीके से डिलीट कर दीजिएगा। अब बात करते हैं विंडो 10 और एक्सपी की, सिंपल ध्यान दीजिए, जहाँ पर भी आपने एनीडेस्क सर्च कीजिएगा एनीडेस्क, ठीक है, और जहाँ पर भी आपने फाइल को सेव किया है राइट क्लिक कीजिएगा और ओपन फाइल लोकेशन पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद सिंपल आपको कुछ भी नहीं करना है, इसको डिलीट कर दीजिए, सिर्फ दबाइएगा और डिलीट कर दीजिएगा। ये देखिए डिलीट हो गया, अब ये आपको प्रोसेस कर देना है। अब जो आगे की प्रोसेस है उसमें क्या करना ध्यान दीजिए, जो भी आपके कंप्यूटर में कोई भी ब्राउजर हो, क्रोमा हो, फायरफॉक्स हो, ओपेरा मिनी हो, उसको ओपन कर लीजिए, ओपन कर लीजिएगा जैसे, ठीक है। ओपन करने के बाद यहाँ पे सिंपल आपको सर्च करना होगा एनीडेस्क, ठीक है, ये सर्च कर लीजिएगा, एक मिनट ये सर्च करेंगे बस। और यहाँ पे आपको ऑफिशियल एक वेबसाइट मिलेगी एनीडेस्क द फास्ट रिमोट एड्रेस एप्लीकेशन, इस पर क्लिक कर दीजिएगा। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है डाउनलोड नाउ, ठीक है, जिसको आप देख पा रहे हैं, ठीक है, आपको सिंपल डाउनलोड नाउ पर क्लिक कर देना है, ठीक है। अब बताना चाहूँगा, पहले समझ लीजिए अच्छे से, जैसे कि जब आप उस पर क्लिक कर देंगे तो आपका ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे नीचे आप देख पाएंगे डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। अब बताना चाहूँगा विंडो 10 और विंडो अपना 11 जो होती है वो हमेशा 64 बिट में ही इंस्टॉल होती है। अगर मान लीजिए आपकी विंडो 7 है या विंडो एक्सपी है तो उसमें अगर आपकी 32 बिट इंस्टॉल है, अगर 64 बिट इंस्टॉल है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर 32 बिट इंस्टॉल है आपको सिंपल सर्च करना होगा, देखिए एनीडेक्स ये लिखेंगे एनीडेक्स 32, एक मिनट, एनीडेक्स एनीडेक्स के बाद आपको लिखना है 32 बिट, ठीक है, ये कर दीजिएगा। तो यहाँ आपके सामने देखिएगा 32 बिट का भी एनीडेस्क जो है मिल जाएगा आपको, ठीक है, तो यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, चेक कर लीजिएगा 32 बिट का है कि नहीं है, अगर यहाँ पे नहीं है तो आप बैक आइएगा और कोई सी भी ऐसी यहाँ आपको वेबसाइट देखने को मिल सकते हैं तो यहाँ लिखा हुआ है एनीडेस्क फ्री डाउनलोड फॉर विंडो 10, 7, 8 64 बिट एंड 32 बिट, इस पर क्लिक कर लीजिएगा। जो भी आपको वेबसाइट से 32 बिट का मिल रहा हो वहाँ पर जाकर आप क्लिक कर सकते हैं, तो आप देख पाएंगे यहाँ पर 32 बिट का यहाँ पर दिया हुआ है, आप कोई भी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं 32 बिट का, ठीक है ना।
अगर आपका कंप्यूटर 32 बिट में है तब बता रहा हूँ, ठीक है। तो बाकी इतना पूरा काम होने के बाद सिंपल आप कुछ भी नहीं करना होता है, अपने फाइल डाउनलोड की हुई है उसको ओपन कीजिएगा, ठीक है। चलिए ओपन कर लेते हैं, देखिए ओपन करेंगे अपन, चलिए देखिए ओपन हो रहा है अभी, मैंने क्लिक कर दिया, इसको मिनिमाइज कर देते हैं पूरा, थोड़ा टाइम लगेगा, देखिए ओपन हो चुका है, देखिए। तो यहाँ आप देख पाएंगे ये सक्सेसफुली पूरी तरीके से हम फिर से ये आ चुका है, ठीक है। और मेरा कोई भी जो डाटा था वो डिलीट नहीं हुआ, क्योंकि मेरे कंप्यूटर में विंडोज 10 है। अगर आपकी में विंडो XP या 7 होगी तो आपके जो आपने कनेक्ट करके रखे होते पहले वो सब यहाँ से हट जाते हैं। तो यहाँ आप देख पाएंगे कोई भी अभी कनेक्टिंग टू द इंटरनेट का कोई भी यहाँ पे ऑप्शन आपको देखने को नहीं मिल रहा है। इस तरीके से दोस्तों आप लोग अपने कंप्यूटर में कोई भी विंडो इस्तेमाल कर रहे हो, अगर उसमें आपको एनी डेस्क में कनेक्टिंग टू द इंटरनेट की प्रॉब्लम आ रही है तो इन प्रोसेस को आप फॉलो करके उसको पूरी तरीके से सही कर सकते हैं। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो, कुछ सीखने को मिला हो, तो मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और जो भी भाई और बहन हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आने वाले टाइम में आपको ऐसी ही कई सारी यूट्यूब वीडियो देखने को मिलती रहे। चलिए दोस्तों मिलेंगे फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जय माता दी।